नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अभिषेक सागर और आज हम बात करने वाले हैं रैनसमवेयर अटैक्स के बारे में, जो कि पूरी दुनिया में हो रहे हैं। 100 से ज़्यादा देशों में ये अटैक्स हो रहे हैं, मैसिव अटैक्स हो रहे हैं, लोगों के विंडोज़ कंप्यूटर इसका शिकार हो रहे हैं। ये क्या है, कैसे आया, कैसे आप इससे बच सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। देखिए, NSA ने जो एक संस्था है उसने एक कमी निकाली विंडोज़ में कि वॉर्म वगैरह जिससे जा सकते हैं, आपके कंप्यूटर को इन्फेक्ट किया जा सकता है कुछ, ठीक है, वल्नरेबिलिटी थी उसमें, कुछ कमी थी जो कि मार्च में विंडोज़ ने पैच कर दी, मतलब उसका जो सॉल्यूशन था उस प्रॉब्लम का निकाल दिया गया। लेकिन ऐसे कुछ कंप्यूटर्स हैं, आप भी यूज़ करते होंगे, अब हमारे यहाँ इंटरनेट की जो वेब है, जो कनेक्शन वगैरह इतने अच्छे नहीं थे, जियो के आने के बाद काफ़ी सुधर गया, लेकिन पहले इतना अच्छा इंटरनेट नहीं था कि हर कोई अपने विंडोज़ को अपडेट करे। अब जो पायरेटेड वर्जन वाली विंडोज़ होती हैं उनको अपडेट कर भी नहीं सकते हो, वो क्रैक करके अपडेट करते हैं, तो ऐसे कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम हो, लेकिन विंडोज़ अपडेट ना हो पाना कहीं ना कहीं आपको एक इस दायरे में ला देता है कि आप इसका शिकार हो सकते हैं, क्योंकि मार्च में इसका पैच निकल चुका है। अगर वो पैच आप अपनी विंडोज़ में नहीं लगाएंगे तो रिस्क रहेगा कि ये वायरस, ये रैनसमवेयर जो भी है, ये आपके कंप्यूटर में आ सकता है। अब बहुत नुकसान हो रहा है लोगों को। रैनसमवेयर क्या होता है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि रैनसमवेयर आपके कंप्यूटर में आ जाता है, ये कुछ फिरौती, जैसे रैनसम होता है ना, फिरौती मांगी जाती है, ऐसे ही आपके कंप्यूटर में ये आ जाता है, आपके डेटा को इनक्रिप्ट कर देता है, उसको एक मशीनी लैंग्वेज में चेंज कर देता है, लॉक कर देता है, और आपके कंप्यूटर के सामने एक स्क्रीन आ जाती है कि अगर आप अपने कंप्यूटर के डेटा को अनलॉक करना चाहते हैं तो आपको $300 बिटकॉइन से या इतने मनी से, पेपाल मनी से या किसी से भी पैसे आपको देने होंगे। जब आप उस फिरौती को देंगे तभी आपका कंप्यूटर अनलॉक हो पाएगा। ये वायरस कैसे आता है, जब आप किसी ऐसे लिंक पर क्लिक करते हैं, किसी ऐसी गलत वेबसाइट पर चले जाते हैं, जैसे कोई भी एक लिंक है, आप पायरेटेड चीज़ें डाउनलोड कर रहे हैं, टॉरेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसी साइट जहां पर फिशी हो रहा है, मतलब बिल्कुल गड़बड़ मामला हो रहा है। आपने देखा होगा, आप कोई मूवी वगैरह डाउनलोड करने जाते हो, पायरेटेड मूवी कई लोग डाउनलोड करते हैं, तो ऐसे में आप एक लिंक क्लिक करते हो, एक लिंक क्लिक करने पे 10-12 पेजेस और पॉपअप्स वगैरह खुल जाते हैं, ऐसे वायरसेस अपने आप डाउनलोड हो जाते हैं। आप कोई सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना चाहते हैं जो कि पेड वर्जन है, लेकिन आपको दिखा हुआ है कि वो फ्री वर्जन है, हालांकि उसका कोई फ्री वर्जन आता ही नहीं है, आप उसको डाउनलोड करेंगे तो exe नाम की एक फाइल डाउनलोड हो जाती है जो ये क्लेम करती है कि वो सॉफ्टवेयर है। अब 100 MB का सॉफ्टवेयर है, वो 2 MB में डाउनलोड हो रहा है, तो जो जिसको एक्सपीरियंस नहीं है वो ये समझता है कि वो सॉफ्टवेयर ही है, 2 MB का मिल गया मुझे, अरे वाह, डाउनलोड कर लेता है, इंस्टॉल करने की कोशिश करता है, और जब वो इंस्टॉल कर लेता है तो उसे पता चलता है कि ये तो एक वायरस था। तब तक उसके कंप्यूटर पर वो वायरस पूरा कंट्रोल कर पाता है, कर लेता है, और फिर कोई रास्ता नहीं बचता, कंप्यूटर को फॉर्मेट करना पड़ता है, बहुमूल्य आपका जो डेटा है वो खराब हो जाता है। ये WannaCry एक हैकर्स हैं जिन्होंने NSA से ये वल्नरेबिलिटी निकाल ली और इसको अपने गलत इंटेंशंस के लिए, गलत कामों के लिए उसको इस्तेमाल ये लोग कर रहे हैं, WannaCry हैकर्स जो ग्रुप है। इससे बचा कैसे जाए, आपके ऊपर ये अटैक ना आए कैसे सुनिश्चित किया जाए, कुछ बातें आपको बताऊंगा, वो ध्यान में रखें। विंडोज़ की अपडेट आप रेगुलरली करते रहें, ध्यान दें कि आप पायरेटेड विंडोज़ ना इस्तेमाल करें, खैर वो आपकी कॉल है, अगर आप पायरेटेड भी इस्तेमाल करते हैं तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप लीगल तरीके से लीगली कॉपी लें, लेकिन पायरेटेड भी है, अब क्या कर सकते हैं, आपके डेटा आपको किसी तरह बचाना है, ऐसे में आप एंटीवायरस अच्छा इस्तेमाल करें, अपने डेटा का जो इंपॉर्टेंट डेटा उसका बैकअप बना के रखें, अपने पेन ड्राइव में, CD में 3-4 जगह डाल के रखें कि अगर आपके कंप्यूटर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाए तो आपको पूरा कंप्यूटर को फॉर्मेट भी मारना पड़ जाए तो आपका डेटा अलग एक स्टोरेज डिवाइस में रहे, आप सेफ साइड लेके चलेंगे। वेबसाइट के जो एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं वो अपनी वेबसाइट तक का बैकअप लेते हैं हर महीने, कुछ होस्टिंग प्रोवाइडर्स तो उनकी वेबसाइट का बैकअप अपने आप ऑटोमेटिकली एक महीने में लेती हैं। तो सिस्टम कितना भी अच्छा हो, कितना भी स्टेबल हो, कंप्यूटर होता है, उसको कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर आपका इतना इंपॉर्टेंट डाटा है तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप अपने डेटा का रेगुलर बैकअप लेते रहें, पेन ड्राइव वगैरह में कहीं 10 जगह डाल के रखें, आपकी दादी माँ आपके बुजुर्ग के फोटो हैं जो आप इस दुनिया में नहीं हैं, आप चाहते हैं वो फोटो आप हमेशा संजो कर रखें, तो पहले तो लोग प्रिंट करा लेते हैं, लेकिन फिर भी अगर कहीं डिजिटल स्टोर कर रखें आपने कहीं मीडिया में, तो आप, मैं यही बोलूंगा 10-12 जगह, या तो 3-4 जगह नहीं तो 3-4 जगह तो बैकअप बना के ज़रूर रखें ताकि वो सेफ रहें, आप आगे वाली पीढ़ी को आप दिखा सकें कि दुनिया कितनी खूबसूरत थी, आपके दादा है, नाना है। अब कुछ भी हो सकता है डेटा, किसी की कुछ यादें हो सकती हैं, किसी की कोई एक्स गर्लफ्रेंड है जिसके कुछ मैसेजेस रखे हुए हैं जो हमेशा संजो के रखना चाहती हैं, आपका एक्स बॉयफ्रेंड था उसके रखना चाहती हैं, वजह कोई भी हो सकती है। डेटा मैं जानता हूँ कितना इंपॉर्टेंट है, कई डेटा ऐसे होते हैं कि आप तुरंत गाने वाने सुने, पुराने हो गए, आपने डिलीट कर दिए, कई ऐसे डेटा होते हैं जो मेमोरीज जिससे जुड़ी होती हैं, इमोशंस जुड़े होते हैं, इन्हीं चीज़ों के साथ ये हैकर्स जो WannaCry हैकर्स है खेलते हैं। अब कोई कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, FedEx हो गया और बहुत सारी कंपनियां हैं जो इसका शिकार हो गई अलग अलग कंट्रीज़ में। अब जो कंपनियों के कंप्यूटर हैं वो तो सारे इन्होंने कैप्चर कर लिए अब इस अटैक से,
अब कंपनी को तो नुकसान हो रहा है ना, वहाँ तो कोई इमोशन नहीं जुड़ा हुआ है, वहाँ तो उनका बिजनेस, उनकी सारी वेल्थ जुड़ी हुई है, सारा डेटा, सारा रिकॉर्ड, सारे कस्टमर, सारे बैलेंस शीट, सारे जितना भी डाटा है सब कंप्यूटर में ही है, और वही लॉक हो गया तो उनको तो जमा पैसे देने पड़ेंगे। मैं आपको बता दूं, एक सर्वे से पता चला है कि रैनसमवेयर में जो आपकी फिरौती मांगी जाती है आपके कंप्यूटर को लॉक करने के बाद, उसमें से 70-80% जो कंप्यूटर हैं वो कभी अनलॉक हो ही नहीं पाते, राइट। अपने कंप्यूटर का जो भी डेटा इंपॉर्टेंट है उसका बैकअप बना के रखें, विंडोज़ की जितनी भी अपडेट करते हैं वो अपडेट पूरे होनी चाहिए आपकी विंडोज़, ऐसा नहीं है कि विंडोज़ डाल ली, पायरेटेड वर्जन कभी अपडेट नहीं की, इसको अपडेट कर ली, मार्च में इसका पैच आ गया है, वॉनाक्राई जो रैनसमवेयर है इसका, अच्छा एंटीवायरस का इस्तेमाल करें, फ्री वर्जन ही इस्तेमाल करें, अगर पेड वर्जन नहीं ले सकते, आप पैसे नहीं हैं आपके पास किसी वजह से, आप कोई पेड एंटीवायरस नहीं इस्तेमाल कर सकते, तो आप फ्री वर्जन इस्तेमाल करें, वो भी काफ़ी मदद करता है। ऐसी वेबसाइट्स को विजिट ना करें जहाँ पर बहुत सारे पॉपअप वगैरह खुलते हैं, जहाँ पर पायरेटेड चीज़ें जो डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, ऐसी चीज़ों से आप बचें। और अगर आप कोई पायरेटेड सॉफ्टवेयर, अभी देखो फिलहाल ये मैसिव अटैक्स हो रहे हैं, तो अभी तो आपको ये सुनिश्चित करके चलना है कि आप इन चीज़ों पर फूक फूक के कदम रखें, राइट। मैं नहीं चाहता आपका कंप्यूटर लॉक हो जाए, आपका इंपॉर्टेंट डाटा कहीं खो जाए। आई होप आपको इसके बारे में टिप्स मिल गई होंगी, आपको पता चल गया होगा कि ये क्या हो रहा है, कैसे एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से जो ये वल्नरेबिलिटी निकाल के हैकर्स गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। आप सुरक्षित रहें, सेफ रहें, सीखते रहें और खुश रहें। ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आ गए तो मैं आपको बता दूं कि मैं साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग और टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, टिप्स, ट्रिक्स, इन सब चीज़ों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ, रोज़ एक नई वीडियो लेकर आता रहता हूँ। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें, उससे होगा ये कि जब भी मैं नई वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपकी कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।